पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि एलियंस को मारने के दौरान वनबिन को एक लड़की एक घर में मिली थी जो वहाँ छुपी हुई थी। ये भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और बहुत बुरे कंडीशन में थी। बाहर लाने के बाद भी शुरू में तो ये कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और फिर अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर चिल्लाने लगी थी और बेहोश ही हो गई थी। उसी समय लीचुन भी बाकी लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है। उनके साथ भी इसी लड़के की तरह दो सर्वाइवर्स थे जिन्हें वो लोग बचा कर ला रहे थे। फिर सब लोग उस एरिया के शेल्टर जहाँ सिविलियंस को रखा गया था वहाँ पहुँचते हैं, पर वहाँ पे हर कोई मरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस का अटैक हुआ हो, पर उस समय वहाँ पे एलियंस नहीं थे और स्फेयर डिटेक्टर में भी डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। अंदर जाकर भी वो लोग हर जगह सर्वाइवर्स ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई जिंदा नहीं मिलता। लीचुन फिर लाए हुए सर्वाइवर से बात करता है तो उनमें से एक लड़का बताता है कि उन्हें इस शेल्टर में सप्लाईज डिलीवर करने को बोला गया था, पर वो लोग जब यहाँ पहुँचे तो एलियंस का अटैक हो गया। लीचुन पूछता है कि उनके साथ जो उनका सुपरवाइजर था उसका क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि वो तो भाग गया था। लीचुन उनसे बात करके जब वहाँ से जा रहा था तो उनमें से एक लड़की उसे बहुत गुस्से में जाता देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ के डेड बॉडीज को एक जगह रख रहे थे जिनमें से बहुत सारे उनकी तरह स्टूडेंट्स ही थे। लीचुन और वनबिन आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस जगह में सिर्फ छोटे स्फेयर्स ने नहीं बल्कि मीडियम स्फेयर्स ने भी अटैक किया हो। उन्हें ये अजीब लग रहा था क्योंकि ये शेल्टर शहर के बाहरी हिस्से में था जहाँ मीडियम स्फेयर्स आते नहीं थे, बल्कि मीडियम स्फेयर्स के गिरने के कोई एविडेंस भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि एलियंस ने इस जगह पे इंटेंशनली अटैक किया था, पर सवाल था कि उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ शेल्टर है। रात में योजन तीनों सर्वाइवर्स को खाना देती है। दो लोग तो खाने लगते हैं, पर एक लड़की उठ के वहाँ से जाने लगती है तो योजन उसके पीछे जाती है। वो लड़की एक गन लेकर अपनी गर्दन पे लगा देती है और खुद को मारने ही वाली थी। ये बहुत गिल्ट में थी क्योंकि जब एलियंस का अटैक हुआ तो वो भागकर छुप गई थी। उसके दोस्त हेल्प के लिए बुला रहे थे पर वो छुपी रही थी और उसके सारे दोस्त मारे गए थे। योजंग उसे समझाती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो डरी हुई थी, पर ये लड़की गन नीचे कर ही नहीं रही थी। तभी वहाँ लीचुन आता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने बहुत मुश्किलें देखी है, पर अब से हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। पर ये लड़की लीचुन की तरफ ही गन लगा देती है और कहती है कि हमने तो वही किया था जो हमसे कहा गया, पर हुआ क्या, सारे मेरे दोस्त मारे गए, तुम बड़े लोगों की वजह से कोई नहीं बचा, तुम भी भाग जाओगे यहाँ से कुछ हुआ तो। ये लड़की बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज थी और उसे लीचुन में अपना सुपरवाइजर दिख रहा था जो उन्हें अकेले छोड़कर भाग गया था। वो चिल्लाते हुए लीचुन पे गोली चला देती है, पर उसी समय वोनबिन लीचुन के सामने आ जाता है जिससे गोली उसे लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वोनबिन की ऐसी हालत देखकर सब डर जाते हैं। क्यों ना तो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लड़की खुद डरी हुई थी। वो जोर जोर से रोने लगती है ये बोलते हुए कि मेरी गलती नहीं है, बड़े लोगों की है। फॉर्चुनेटली गोली वोनबिन के कंधे से होता हुआ निकल गया था जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। कुछ समय बाद लीचुन सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर कहता है कि अगले दिन हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और वापस कैंप चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं तुम लोगों की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ पे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने एलियंस हैं, और अगर सारे एलियंस साथ में अटैक करते हैं तो उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीचुन के जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें लीचुन की भी चिंता थी क्योंकि अगर वो फिर से डायरेक्ट ऑर्डर डिसोबे करता है तो उसे तो डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। ऐसे माहौल में भी यंगसू पूछता है कि अगर हम मिशन फेल करेंगे तो कहीं हमारे मार्क्स तो नहीं डिडक्ट किए जाएंगे, पर अब यंगसू की नॉनसेंस को सब इग्नोर करने लगे थे। हर किसी के मिक्स्ड फीलिंग्स थे, ये भी लग रहा था कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन से निकल तो पाएंगे। दूसरी तरफ नारा और चियोल नाइट ड्यूटी में थे और बिल्डिंग की छत से गार्डिंग कर रहे थे। अचानक से नारा को दूर में कुछ एलियंस दिखते हैं। स्फेयर डिटेक्टर में कुछ डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि वो रेंज के बाहर थे। देख के ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड वाले एलियंस आसमान में जो स्फेयर थे उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। दोनों तुरंत जाकर लीचुन और बाकी लोगों को इस बारे में बताते हैं। कई बार ऐसा होता था कि सारे एलियंस एक साथ एक जगह पे पहुंच जाते थे। पहले उनको समझ नहीं आता था, पर अब सब समझ चुके थे।
कि नीचे से मीडियम साइज वाले एलियन स्फीयर से कम्युनिकेट करके छोटे साइज वाले एलियंस को ऑर्डर देता था। नारा मैप में दिखाती है कि एलियंस इस जगह पे जाकर वापस आए थे। सर्वाइवर स्टूडेंट बताती है कि उस जगह पे एक स्मॉल साइज का शेल्टर है, एलियंस शायद इस शेल्टर पे अटैक करने वाले थे। लीचुन कहता है कि एज प्लान्ड कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे और कैंप पहुंचकर वहाँ से बैकअप भेजेंगे। जंगसू कहता है कि एलियंस के स्पीड को देखकर तो लगता है कि बैकअप आने तक तो देर हो जाएगी। सारे स्टूडेंट्स डरे हुए तो थे, कुछ स्टूडेंट्स जाने के फेवर में थे तो कुछ रुकना चाहते थे। उनका कहना था कि उस शेल्टर में जो लोग हैं वो भी तो किसी के पेरेंट्स होंगे, उन्हें कौन बचाएगा, और हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को भेज दिया जाएगा। लास्ट में डिसाइड होता है कि वो लोग रुककर एलियन से फाइट करेंगे। लीचुन और वनबिन तो स्टूडेंट्स की हिम्मत देखकर देखते रह जाते हैं। अगली सुबह लीचुन सबको अपना प्लान समझाता है। एलियंस बहुत सारे थे तो उन्हें एक एक करके मारना पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्लान था कि वो लोग एक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में किसी तरह से एलियंस को बुलाएंगे और एक साथ ही सबको मार देंगे। इस शेल्टर में उन्हें डायनामाइट के बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिन्हें वो लोग यूरेनियम के साथ कम्बाइन कर देते हैं। लीचुन फिर सबको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। कुछ ग्रुप्स का काम था यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में हर जगह बॉम्ब्स इंस्टॉल करना। उसके बाद सबको पास के एक दूसरे बिल्डिंग में आ जाना था। एक ग्रुप जाकर बिल्डिंग के पावर को रिस्टोर करता है जिससे सीसीटीवी भी ऑन हो जाता है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के छत पे पोजीशन ले लेता है जिनका काम था एलियंस को ऑब्जर्व करना। इस ग्रुप में नारा, हाना और सोचुल थे। उसके बाद बाकी सारे ग्रुप्स यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। लीचुन ने सबसे कहा था कि एक्सप्लोसिव्स लगाने के बाद वो लोग बाहर जाने के सारे रास्तों को भी सील कर दे, और जब सारे एंट्रेंस सील करके सब बाहर आ जाएंगे तो वो लोग शोर करके एलियंस को वहाँ बुला लेंगे और बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर देंगे। इधर नजर रखने के दौरान नारा नोटिस करती है कि एलियंस स्फीयर से कम्युनिकेट कर रहे थे और वहाँ से शेल्टर की तरफ जाने लगे थे। वो लोग तुरंत लीचुन को इन्फॉर्म करते हैं। अभी बॉम्ब्स पूरे लगे भी नहीं थे, सब जल्दी जल्दी करने लगते हैं। लीचुन कहता है कि एलियंस शेल्टर पहुँचे उससे पहले उनका डायरेक्शन बदलना होगा, इसलिए 10 मिनट में बॉम्ब लगाकर सबको निकल जाना होगा। यंगशिन एलियंस को बुलाने के लिए लाउडस्पीकर स्टार्ट कर देता है जिसमें बहुत जोर का सायरन बज रहा था। उसके बाद सब लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगते हैं। सायरन की आवाज से 10 मिनट के अंदर एलियंस वहां पहुंच जाने वाले थे। ज्यादा शोर करने के लिए कुछ कार्स भी तोड़ने लगते हैं ताकि ज्यादा अलार्म बच सके। कुछ लोग एक्सप्लोसिव्स लगाकर दूसरे बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, पर कुछ लोगों का अब भी नहीं हुआ था। इधर एलियंस शोर सुनकर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की तरफ तेजी से आने लगे थे। यंगसू वाले टीम को कुछ एक्सप्लोसिव्स लगाना बचा था, पर अब एलियंस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। तो लीचुन कहता है कि बचे हुए वो अकेला लगा लेगा और सबको वहाँ से जाने को कहता है। लीचुन वोनबिन को बच्चों के साथ जाने को कहता है। कोई जाना नहीं चाह रहा था, पर लीचुन उन्हें जबरदस्ती भेज देता है। लीचुन को पता था कि ये उसके लिए एक सुसाइड भी हो सकता है, पर उसे सबको बचाना था। एलियंस अब बिल्डिंग के अंदर घुसने लगे थे। लीचुन सारे एक्सप्लोसिव्स फिट करके अब वहाँ से निकलने के लिए भागता है, पर एलियंस पहुँच चुके थे। वो बहुत सारे एलियंस को मारता हुआ बढ़ता है, पर एलियंस बहुत ज्यादा थे। लीचुन खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लेता है और दरवाजे पे बहुत सारे एलियंस जमा हो जाते हैं। लीचुन को समझ आ जाता है कि वो अब भाग नहीं सकता। वो वोनबिन से कॉन्टेक्ट करके बिल्डिंग एक्सप्लोर करने को कहता है और कहता है कि वो बिल्डिंग से निकल चुका है, पर सबको पता था कि वो अंदर ही है तो वो लोग एक्सप्लोर करने को रेडी नहीं होते। लीचुन सबको समझाता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, मेरा मरना वेस्ट मत होने दो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अगर एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो एलियंस उनकी बिल्डिंग में भी आने लगेंगे। सब लोग बहुत रोने लगते हैं ये बोलते हुए कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप लास्ट तक हमें प्रोटेक्ट करोगे। लीचुन सबसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो प्रॉमिस तोड़ रहा था, और सबको कहता है कि तुम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है और लास्ट तक सरवाइव करना है। ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, और अब एक्सप्लोजन स्टार्ट करो। अब क्लासरूम में एलियंस घुस चुके थे और इधर सब रोए जा रहे थे। किसी से बटन प्रेस नहीं किया जा रहा था। एलियंस जैसे ही लीचुन के पास पहुंचते हैं, योजंग बटन प्रेस कर देती है और पूरा बिल्डिंग एक्सप्लोड कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।